शहर में बुधवार को आंवला नवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान महिलाओं ने व्रत रख कर आंवले की पूजा अर्चना की। अक्षय नवमी के नाम से भी प्रसिद्ध उक्त पर्व के दौरान विभिन्न रंगीन परिधानों में सजी धजी महिलाओं ने आंवला के पेड़ के नीचे बैठकर संतान प्राप्ति तथा उसकी रक्षा के लिए पूजा की। इस मौके पर व्रतधारी महिलाओं ने आंवले के पेड़ के आसपास साफ सफाई करते हुए पेड़ की जड़ों में पानी तथा दूध भी चढ़ाया तथा वहां मिट्टी लेकर माथे पर लगाई। साथ ही आंवला के पेड़ के तने पर कच्चा सूत में मौली बांधकर 8 बार परिक्रमा भी की और पेड़ के नीचे बैठकर भोजन भी किया। मालूम हो कि वैसे तो पूरे कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान का महात्म्य है, परंतु नवमी को स्नान करने से अक्षय पुण्य होता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाने और उसे ग्रहण करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि आंवला नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दैत्य को मारा था। आंवला नवमी पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। आंवला नवमी पर बहुत से लोग मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए की गई पूजा पर व्रत भी रखा जाता है और इस दिन रात में भगवान विष्णु को याद करते हुए जगराता किया जाता है। बुधवार को आंवला नवमी पर पूजा करने वाली महिलाओं में नीतू खटोर, अंजू देवी, विमला मिश्रा, निशा जांगीर, मोनिका विष्णु, कांता सेन, निशा बनभेरू, टीना देवी, उर्मिला देवी, गुड़िया विद्या देवी तथा सुशीला सेन आदि शामिल थी।